हेलो दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। मेरे घर में मेरे बाबू, मेरे हस्बैंड, ससुर जी भी सोए हुए हैं, मम्मी जी उठ गई हैं। हम उठकर थोड़ा सा बाहर टहलने आए हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो मेरा आँख दोनों सूज जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, लगता है कि एकदम अजीब हो गया है। थोड़ा सा मन फ्रेश होता है, थोड़ा देर के बाद फिर मैं ठीक हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए बाहर का कैसा है। बाहर तो सब लोग लगता है कि कितना सुबह सुबह से उठ जाते हैं, गाड़ी भी चलने लगा है। सुबह का ये हवा कितना अच्छा लगता है, कितना ताजगी देता है, फ्रेश हो जाता है। आप लोग देख रहे होंगे, देखिए सुबह में कितना अच्छा से पेड़ पौधा सब एकदम हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर मैं बैठूंगी यहाँ पे, छत पे जाऊंगी, थोड़ा सा टहलूंगी, उसके बाद फिर मैं अपने घर में किचन का सारा, लेडीज लोग का हाउस वाइफ का तो यही काम ही होता है, सुबह अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, उसके बाद फिर घर के लिए काम करो। मैं भी जाऊंगी अंदर, फिर झाड़ू देना है, बर्तन धोना है, खाना बनाना है। सुबह में मेरे यहाँ नाश्ता बनता है, उसके बाद फिर दोपहर में खाना बनाएंगे, रात को फिर खाना बनाएंगे। मेरी बेटी अभी सोई हुई है, उठेगी तो उसको तेल मालिश करेंगे, फिर कपड़ा बदलेंगे। यही है दिन भर का रूटीन, हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे दिन भर का रूटीन। अगर आप लोग को पसंद आया मैं वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, दूध वाले अंकल दूध देकर चले गए हैं। हेलो दोस्तों, देखिए हम झाड़ू देने जा रहे हैं। हम सुबह सुबह पहले एक बार झाड़ू दे देते हैं, उसके बाद रूम सेट करते हैं तो फिर दोबारा देते हैं, क्योंकि मम्मी जी कहती है ना कि सुबह में पहले झाड़ू देना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए। झाड़ू देना पता नहीं, एक मानना होता है कि अच्छा होता है, इसलिए सुबह में पहले देख कर ही कोई काम करना चाहिए। हम तो देखते हैं, आप लोग को पता नहीं है आप लोग कैसे काम करती होंगी, पर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे घर का मीटिंग अगर आपको पसंद आया। हेलो दोस्तों, देखिए ये मेरे बाबू का दूध का बोतल है। ये बोतल है ना जो काम पिलाते हैं, गाय का दूध हम बच्चे को देते हैं ना, तो इसलिए उसमें जितना भी मलाई टाइप का रहता है रात भर में वो जम जाता है। तो इसको साफ करने के लिए क्या करें, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा। ज़्यादा मात्रा में लेकर पानी को इस बॉटल को उसमें डालकर खौला देंगे, चूल्हा पर चढ़ा दीजिएगा। देखिए इसको खौला देते हैं, इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा खौला देना, ज़्यादा देर भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ज़्यादा देर रहने से बोतल गल भी सकता है। खोल जाएगा ना, इसका जितना भी बैक्टीरिया है या फिर मलाई जमा हुआ ऐसा सारा सब कितना भी साफ़ कीजिएगा ना, जल्दी नहीं साफ़ होता है। ऐसा खोला देने से इसका गंदगी कीटाणु मलाई उलाई सब निकल जाता है। सरफ डालकर हम ऐसे तो नॉर्मली आदमी सरफ से धोता है, लेकिन हम इसको बोतल को खोला देते हैं, उसके बाद सरफ डालकर अच्छे से धो देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। बच्चा को ज़्यादातर तो बोतल से दूध पिलाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बाबू जब छोटी थी ना तो मेरा दूध नहीं उतना होता था, इसलिए बाबू को हम बोतल का आदत लगा दी है, तो बोतल से ही पीती है। लेकिन कोशिश करेंगे कि जैसे भी बड़ा हो उसका बोतल का आदत छुड़वा दें। देखिए अभी एक खोलने वाला है, खोल के आपको दिखाते हैं इसको साफ कर।
दोस्तों बोतल साफ कर लिए, कितना क्लीन हो गया, एकदम साफ हो गया पूरा अच्छे तरीका से। बोले थे ना कि खोलाने के बाद ये बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, इसको सरफ से भी धो लिए हैं और यहाँ पे दूध जो गर्म किए थे खोला कर रखे थे ना उसको ठंडा करने के लिए रख दिए हैं, थोड़ा सा पानी में अंदर दूध है क्योंकि बाबू उठेगी तो दूध खोजेगी, इसीलिए पहले से ठंडा करके रख दिए हैं। और जो अभी दूध आया है वो चढ़ा दिए हैं तो घर के लिए बाबू के लिए दूध है। अभी यहाँ पर दूध उबलता है तब तक सब्जी काट कर रखा हुआ है और हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं, तब तो रोटी भी और बन जाएगा सुबह का नाश्ता में, फिर उधर साइड से काम भी करते जाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने कपड़ा भी सरिया लिया है, बर्तन भी साफ कर लिए और बाकी है, मैं धीरे धीरे सब हो रहा है। यहाँ पर देखिए चाय, तो हम थोड़ा सा चाय और पापा जी को देंगे और हम भी पियेंगे दोनों को, क्योंकि मम्मी जी तो जाती भी नहीं है, मेरे पति भी नहीं पीते हैं, तो दूध हो चुका है और उसको साफ कर रखते हैं। चाय भी बन गया, ठीक है चलते हैं चाय पीने। सब्जी आलू बोरा की सब्जी बन रही है, अभी तो दाल। देखिए दोस्तों हम सुबह सुबह उठे थे तो बोले थे रूम एकदम कितना ख़राब लग रहा था, अब जाकर फाइनली मेरा रूम एकदम क्लीन हो गया है और एकदम साफ हो गया है और मेरा आधा काम भी हो चुका है। अब जाते हैं हम खाना बनाकर, बाबू को मम्मी जी तेल लगा रही हैं, तेल लगा कर थोड़ी देर छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको कपड़ा बदलेंगे, तब तक हम अपना काम कर लें। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब बज रहे हैं 11, मेरा काम पूरा हो चुका है। सुबह से जो भी मैंने काम किया सब कुछ आपको दिखाया, सुबह का मॉर्निंग रूटीन मेरा हमेशा यही रहता है और मैं 10 से 11 बजे तक पूरा फाइनल काम कर लेती हूँ। आज तो 11 बज गया है और मेरी बेटी भी तैयार होकर सो गई है, अब हम भी 1-2 घंटा के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद उठेंगे तो दोपहर में चावल बनाएंगे ताकि लंच करने के लिए मेरे पापा जी जो हैं आते हैं तो सब लोग एक ही बार खा लेते हैं, हम लोग तो दाल चावल सब्जी यही सब खाना में बनेगा। तो ठीक है, इतना मेरे वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए।